तो फ्रेंड्स ये देखिए अभी अर्ली मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ पर बादल हो रखे हैं, मतलब हवा बहुत तेज़ चल रही है और बादल हैं और सुबह सुबह का टाइम है। तो अभी ये देखिए मतलब 6:05 हुआ है फ्रेंड्स, अभी सुबह का टाइम है, 6 बज रहे हैं। सुबह का झाड़ू पोछा वगैरह सब हो गया, नीचे का भी हो गया है, ऊपर का भी हो गया है और अभी जा रहे हैं नहाने। नहा कर फिर पूजा वगैरह करके फिर कुछ नाश्ता बनाएंगे। आलू वगैरह हमने उबाल के रख दिए हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए अभी नहा धो चुके हैं और उसके बाद ये देखिए आज हमने ये वाला सूट पहना है निकाल के, काफ़ी दिन से रखा हुआ था। तो अभी आ गए हैं नीचे और यहाँ पर आकर बनाई है चाय और यहाँ पे आटा भी फूट के रख लिया है और आलू तो पहले ही उबाल के रख लिए थे। तो ये देखिए आलू वगैरह सब मतलब निकाल के रख लेंगे इस तरह बाहर कुकर से और यहाँ पर चाय भी खोल रही। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए चाय बन रही है, आलू बॉयल हो चुके थे तो निकाल लिए सब्जी बनाने के लिए, यहाँ पर टमाटर निकाल लिए हैं तो अभी सब्जी बनाएंगे। पहले चाय पी लेते हैं फिर उसके बाद में सब्जी और पराठे बनाएंगे टिफिन के लिए। तो चलिए बनाते हैं और पहले चाय पी लेते हैं। तो फ्रेंड चाय अच्छे से खोल चुकी थी, अच्छे से मतलब खोल गई है, काफ़ी गाढ़ी हो गई है और अभी चाय को छान लिया है और थोड़ी देर बैठेंगे चाय वगैरह पियेंगे। तो आइए आप लोग भी पी लीजिए चाय सुबह की। तो फ्रेंड्स यहाँ पर चाय वगैरह हो गई, फिर उसके बाद यहाँ पर किचन में आके कढ़ाई रख दी है गैस के ऊपर, तेल डाल दिया है, तेल गर्म हो जाएगा तब उसमें डालेंगे जीरा और जीरा डाल के जब अच्छे से तड़क जाएगा तो उसके बाद यहाँ पर हरी मिर्च और टमाटर डाल दिए हैं। आज सब्जी बिना लहसुन प्याज की बनेगी तो टमाटर डाल के नमक डाल के अच्छे से मिक्स कर दिया है और अभी इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे तो टमाटर अच्छे से गल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये टमाटर अच्छे से गल गए हैं तो यहाँ पर अपने घर के जो बेसिक से मसाले होते हैं वो डाल दिए हैं, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, सारी चीज़ें डाल के अच्छे से मिक्स कर दिया। थोड़ा सा डाला है हमने कलर वाली मिर्च और कसूरी मेथी, तो कसूरी मेथी वगैरह डालकर भी अच्छे से मिक्स कर दिया है। थोड़ा सा डाला है पानी क्योंकि मसाला नीचे लग रहा था तो पानी डालकर अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो ये देखिए मसाला भी अच्छे से भुन गया। तो डाल दिए हमने आलू, आलू को हमने फोड़ के रख लिए थे हाथ से ही, तो इस तरीके से मिक्स करते हुए हमें भून लेना है। फिर डाल दिया इसमें हम पानी डाल देंगे। तो ये देखिए जितना मतलब ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आप पानी डाल सकते हैं। तो हमें न ज़्यादा पतली न ज़्यादा गाढ़ी, उस हिसाब से सब्जी बनानी है और यहाँ पर मतलब सब्जी बन जाएगी तो फिर बनाएंगे पराठे पूरी जो बच्चे कहेंगे वो। तो यहाँ पर पूरी बन रही है, छोटी वाली बेटी को पूरी बहुत अच्छी लगती है तो के हिसाब से ही सुबह का ज़्यादातर बना देते हैं क्योंकि बच्चे स्कूल में मतलब जो मन पसंद दे दो वही ले जाएंगे तो अच्छा रहता है, खा के आते हैं फिर स्कूल से। तो यहाँ पर आलू की सब्जी और पूरी उसके लंच बॉक्स में पैक करेंगे, यही हस्बैंड जी के लंच बॉक्स में पैक करेंगे। तो और बड़ी वाली बेटी का एग्ज़ाम है तो वो अपना नाश्ता वगैरह करके जाएगी थोड़ा बहुत। तो देखिए गर्मा गर्म हमने पूड़ी बना ली है और अभी बाकी का जो काम है वो करेंगे, मतलब सब्जी में देखना है कि हो गई कि नहीं। तो यहाँ पर सब्जी हमारी बिल्कुल अच्छे से पक चुकी थी, गाढ़ी हो गई है ग्रेवी इसकी और ये देखिए इस तरीके से है। तो गैस हमने बंद कर दिया है और इसमें डालेंगे थोड़ा सा हम सब्जी मसाला और सब्जी हमारी डन है। तो अभी इसको ढक दिया है और फिर हमने हरा धनिया निकाला, उसको साफ़ किया, धुला, कट किया और फिर इसमें हरा धनिया डाल दिया है, सब्जी में फिर से ढक दिया है और अब बच्चों का टिफ़िन पैक करना है। तो यहाँ पर
छोटी वाली का टिफिन निकाल लिया, उसको अंदर से अच्छे से साफ कर दिया है। और अभी उसमें उसकी मतलब छोटी वाली जो टिफिन है ये सब्जी वाला, तो इसमें हमने उसके लिए सिर्फ आलू आलू रखे हैं क्योंकि ग्रेवी जो है वो गिर जाती है। और यहाँ पर उसके लिए दो पूड़ी पैक कर दिए हैं और साथ में चम्मच रख देंगे और बस उसका टिफिन रेडी है। और हाथ ही हाथ हस्बैंड जी का भी टिफिन पैक कर देंगे, तो यहाँ पर उनके लिए भी पूड़ी और सब्जी ही पैक करना है। तो चलिए उनका भी टिफिन रेडी करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए हस्बैंड जी का भी टिफिन रेडी कर दिया है और अभी सब्जी वगैरह ढक के रख देंगे। जो पूरी बची है वो रख देंगे साइड में, क्योंकि बड़ी वाली बेटी को नाश्ता करना है तो उसके लिए लगा देंगे। और थोड़ा बहुत जो ये फैला हुआ है इसको साफ कर देंगे। और अब टाइम है 9 बज रहा है, तो यहाँ पर ये फ्रेंड्स अभी बच्चे स्कूल जा चुके हैं, हस्बैंड जी जा चुके हैं और टाइम हो गया है 10। काफ़ी टाइम हो गया उन लोगों गए हुए। और अभी यहाँ पर देखिए हमने 2 पूड़ी गर्मा गर्म बनाई है, तो अभी हम नाश्ता करेंगे। आज मौसम बहुत ख़राब है, बारिश वाला हो रखा है, तो कपड़े वगैरह तो आज नहीं धुलना है हमको। चलिए पहले नाश्ता कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपसे बात करते हैं। तो फ्रेंड्स हमने नाश्ता कर लिया है और अभी जा रहे हैं ऊपर, तो पापा की आंख में दवा डालनी है। और चलिए आपको दिखाते हैं ऊपर का मौसम, बादल हो रखे हैं। तो फ्रेंड्स अभी आ गए हम ऊपर और अभी आपको दिखाते हैं आज का मौसम। तो ये देखिए यहाँ पर बादल हो रखे हैं, काफ़ी घने बादल हैं। और तो और फ्रेंड्स फिर हम आ गए नीचे, काफ़ी देर बाद आए थे नीचे। फिर उसके बाद यहाँ पर आकर फ्रिज से दही निकाला और दही को फेंट के रखा है। वो जो डब्बा दिखा रहे थे उसमें बूंदी थी, तो बूंदी को गर्म पानी में करके फिर ये देखिए हमने रायता तैयार कर दिया है बूंदी का। और मूंग की दाल बनाई थी, तो मूंग की दाल बन चुकी है, पापा के लिए बनाई थी। सब्जी तो हम लोगों के लिए रखी हुई है सुबह की, जो आलू टमाटर बनाई थी। और यहाँ पर उनके लिए रोटी बना के गर्मा गर्म, और फिर उसके बाद उनका खाना लगा देंगे, तो पापा फिर खाना खाएंगे। तो यहाँ पर ये देखिए बिल्कुल फूली फूली सी रोटी। तो चलिए रोटी भी बन गई हैं और अभी पापा के लिए थाली लगाएंगे अभी, तो खाना देना है उनको, टाइम हो रहा है खाने का। तो फ्रेंड्स रोटियां बन गई थी, तो फिर अभी घी लगा के रख देंगे, तो गर्मा गर्म रोटियों में घी लगा दो तो अच्छे से लग जाता है। तो चलिए रोटी हमारी रेडी है और अभी थाली भी लगा के दिखाते हैं आप लोगों को। तो आइए फ्रेंड्स आप लोग भी खा लीजिए, सिंपल से खाना है पर बहुत टेस्टी है। तो चलिए पापा को देख के आते हैं। तो फ्रेंड्स अभी बज रहे हैं 5 और यहाँ पर अभी बना रहे हैं, चाय बना रहे हैं। और बर्तन वगैरह दोपहर के थे वो सारे साफ किए हैं। और छोटी वाली को कोचिंग छोड़ के आए थे, मतलब 4 बजे गए थे और अभी 4:45 के आसपास है। तो चाय बन रही है, तो अभी चाय पापा को देंगे। और इस वीडियो को अब यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर भी करिएगा। कोई भी सजेशन है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, बाय, थैंक यू।